यूट्यूब पर सीरियल देखकर नाबालिग बन गया किलर। 3 किशोर वाहन लूटने के लिए स्कॉर्पियो चालक की कर दी बेरहमी से हत्या। मधुबनी पुलिस ने वारदात के महज 13 घंटे में किया सनसनीखेज खुलासा। भैरवस्थान थाना क्षेत्र में बुधवार को स्कॉर्पियो चालक देवेंद्र यादव की हुई थी हत्या। मधुबनी पुलिस ने भैरवस्थान थाना क्षेत्र में हुए चर्चित स्कॉर्पियो चालक देवेंद्र यादव हत्याकांड का घटना के महज 13 घंटे में सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर अब हो क्या रहा है। जहां महज पैसों के लालच में 3 नाबालिग किशोर पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में किलर बन गया और हैवानियत की हद को पार कर गया। आपको बता दें कि बीते बुधवार को भैरवस्थान थाना क्षेत्र के NH-57 किनारे नरुआर कट के पास से बरामद स्कॉर्पियो चालक देवेंद्र यादव की हत्या वाहन लूटने के लिए 3 नाबालिग किशोर ने मिलकर की थी। घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया था, जिसको लेकर पुलिस ने आज 3 विधि विरुद्ध किशोर को हिरासत में लेकर एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। स्कॉर्पियो चालक देवेंद्र यादव हत्या का महज 13 घंटे में उद्भेदन करते हुए झंझारपुर के SDPO अशोक कुमार ने आज भैरवस्थान थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी है। जानकारी देते हुए SDPO ने कहा कि 16 वर्षीय एक किशोर ने अपनी बहन को ससुराल से लाने के लिए एक स्कॉर्पियो भाड़ा पर लिया और उसे अपने घर राजनगर थाना क्षेत्र के अनिचक बुलाया और 3 नाबालिग उसमें सवार होकर मधेपुर की ओर चलने को कहा। रास्ते में NH-57 पर पाही कट के पास चालक पेशाब करने के बहाने वाहन रोकने को कहा और जैसे ही वाहन रुका, पीछे सीट पर बैठे एक नाबालिग ने गर्दन में रस्सी फंसा दिया, दूसरी रस्सी को दूसरी तरफ खींचने लगा और तीसरा चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया। हैवानियत की हद पार करते तीनों नाबालिग किशोर उसके बाद चालक के गले में कील ठोक दिया और इस तरह स्कॉर्पियो चालक को बेरहमी से हत्या के बाद शव को नरुआर कट के पास फेंक दिया। नाबालिग हत्यारों की नियत वाहन लूटकर उसे पटना में बेचना था। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर वारदात का खुलासा तो कर दिया, लेकिन इससे पहले भी हैरानी की बात है कि नाबालिग किशोर को इस तरह से वारदात को अंजाम देने की सोच दिमाग में कैसे आई। पुलिस के समक्ष पूछताछ में अपना अपराध कबूल करते हुए एक नाबालिग ने बताया कि YouTube पर सीरियल देखकर ये आइडिया उसके दिमाग में आया था। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। दिनांक 14/2/24 को NH-57 पर नरुआर पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसकी सूचना वहां के एक स्थानीय ग्रामीण ने दी थी। इसके बाद थाना वहाँ पहुँच करके आवश्यक छानबीन और जांच पड़ताल की। तुरंत मैं भी पहुंचा तो उस व्यक्ति के पास पॉकेट वॉकेट चेक करने के बाद किसी प्रकार का कोई कार्ड वगैरह पाया नहीं गया, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और एक पैर में शू था, शू जो है 9 नंबर की थी, मेड इन नेपाल लिखा हुआ था। इसके आधार पर हम लोगों ने ये पता लगाया, ये अनुमान किए कि या तो ये व्यक्ति जो है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का ही हो सकता है या इधर का होगा तो ड्राइविंग करता होगा मे बी। तो हम लोगों ने यहाँ के चौकीदार, थाने के चौकीदार और अन्य व्यक्तियों के संपर्क करके ऐसा व्यक्ति जो कि कल से गायब हो और ड्राइविंग भी करता हो ऐसे व्यक्ति की पहचान हेतु हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग और मधुबनी पुलिस ग्रुप में उस व्यक्ति का फोटो को डाल करके शिनाख्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। दरमियान में FSL की टीम और टेक्निकल टीम को भी बुला करके टावर डंप और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसी बीच करीब करीब 10:30-11 बजे किसी व्यक्ति ने पहचान की कि ये व्यक्ति भैरवस्थान थाना के कथना मोहनपुर का रहने वाला है। तो हम लोगों ने इसके परिजनों को सूचना दी है और इसके परिजन आने के बाद इसके कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और हम लोगों ने इस घटना को त्वरित रूप से उद्भेदन करने में तत्परता दिखाते हुए एक राजनगर थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि बिना ड्राइवर के था उसको बरामद होने की सूचना हम लोगों को मिली। तो हम लोग राजनगर गए, राजनगर के अलीचक गांव में गए तो पता चला कि इसके मालिक के द्वारा गाड़ी लिए ले जाया गया है और उस मालिक का ये ड्राइवर था। मालिक का नाम प्रमोद कामत है। उसके बाद हम लोगों ने इस कांड में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए जिस व्यक्ति ने इस गाड़ी की बुकिंग की थी उसने बताया था कि मैं अपने बहन को मधेपुर से लाने के लिए गाड़ी को भाड़े पर बुकिंग करके ड्राइवर को बुलाया था। ड्राइवर
जब अलीचक पहुंचा तो इस पर तीन विधि विरुद्ध बालक, तीन विधि विरुद्ध बालक सवार हो गए और उसको ड्राइवर को चलने के लिए मध्यपुर बोला गया। ड्राइवर जब सरसों पाहीकट NH57 पर सरसों पाहीकट के पास आया तो एक विधि विरुद्ध बालक ने उसको एक रस्सी, एक साड़ी से बंधा हुआ एक रस्सी लिए हुए था वो ड्राइवर के पीछे की ओर खींच लिया और दूसरे व्यक्ति ने चाकू से उसके छाती पर वार किया। थोड़ा देर के बाद अन्य दो विधि विरुद्ध बालक ने दोनों रस्सी को दोनों तरफ से खींच लिया और तीसरे ने कील से प्रहार किया। तो इस तरह से इस घटना में तीन विधि विरुद्ध शामिल होने की बात जब सामने आई तो इन लोगों को विधिवत इनके गार्जियन के सामने गिरफ्तार किया गया और इन तीनों बच्चों ने अपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस संबंध में भैरव स्थान थाना कांड संख्या 14/24 दर्ज की गई है। अंडर एज है, एक का 16 है, दूसरे का 15 है और तीसरे का 14 है। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, एक 8th क्लास में पढ़ता है। इस उम्र में सर एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि हम लोग YouTube पर क्राइम सीरियल या अन्य सीरियल देख करके इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाए थे और उसने ये वीडियो भी दिखाया जिसमें इसी तरह का इस तरह से अपराध किया गया किया जा रहा था और एक के विधि विरुद्ध बालक का कुछ आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को पता चल रहा है और उसके बारे में हम लोग और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इस तरह की घटना हुई है। इनके स्वीकृति बयान में ये भी आया है कि कुछ छीना छपटी वाले भी मामले में ये लोग शामिल रहे हैं लेकिन पुलिस तक कोई सूचना नहीं पहुँच पाई थी। उम्र भी इस तरह से एक अज्ञात लाश बरामद होने के बाद लाश का शिनाख्त करते हुए अपराधियों तक पहुंचना और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करने में मात्र 13 घंटे समय लगे हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम को और सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारा इंटरनेट संसाधन बढ़े हैं उसमें प्रत्येक गार्जियन को ऐसे बच्चे पर हमेशा लगातार निगरानी और नज़र बनाए रखनी है ताकि बच्चे अपराधी घटनाओं की अविष्कार नहीं हो और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका समर्पित करें। इसमें तीन विधि विरुद्ध बालकों के द्वारा एक ड्राइवर की निर्मम रूप से हत्या कर लाश को फेंका गया NH के किनारे। इस संबंध में मैं झंझारपुर के सभी लोगों खास करके बड़े बुजुर्ग गार्जियन माता पिता उन सबसे नम्र निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होने दें। जो बच्चे सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से अपराधी घटनाओं को देखते हैं उन पर नज़र बनाए रखें ताकि उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। अगर उन बच्चे का भविष्य खराब होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही आप गार्जियन की है, आप उनका बुजुर्गों की है। और उसमें उसने बताया था कि मुझे अपनी बहन को मधेपुर से अलीचक लाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है तो ड्राइवर रूट का वेरिफिकेशन नहीं जानता नहीं था इसीलिए ये लोग पहले अलीचक बुलाया उसके बाद मधेपुर जाने की योजना।